मेरे को तो मारना ही चाहते हैं कुल मिला के, और मारने ही आए थे यहाँ पे कुछ इनका आईडी से। और कल को मैं कुछ भी मेरे से हादसा होता है, ये हादसा में यही है जो लोग जिनके मैंने नाम बताए जी मंगा सिंह ये वगैरह सुरेंद्र सिंह। हम गुरुद्वारे जा रहे थे, मंगा सिंह की बहनों ने हमारे ऊपर हमला किया, लाठी चार्ज किए। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, पहले मुझे थप्पड़ मारा फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए। मंगत सिंह क्या मामला है? कुछ नहीं, मामला ये पहले मेरे प्लॉट में जो है हमारे रिश्तेदार सुरेंद्र सिंह और इनकी घरवाली बलवंत कौर और जोगिंदर कौर, उसका घर वाला गोविंद सिंह, मेरे प्लॉट पे इन्होंने कब्जा कर रखा है जी। किरण जी तो उसका घर वाला जो भी है ना मेरी बहन, इनके सारे जो रिश्तेदार ये मेरे वो रिश्तेदार जीजा वगैरह लगे, और इनमें ना कब्जा कर रखा है मेरे स्कूल के अंदर। और वहाँ से मैं गाड़ी लेते हैं गुरुद्वारे का, हमारा विचार बन गया वो बैसाखी थी, वो मैं चल मेले पे चलाते हैं बच्चे ने कहा हम घुमा घूम चलते हैं, हमारे हरदीप सिंह और इनकी घरवाली सारे जा रहे थे हम, और वहाँ गाड़ी निकालने गए, वहाँ पे इन्होंने गाली गलौज करने कर दिया, और वहाँ डंडे और वो अपनी गाड़ी को लात वगैरह सारे मारने लग गए। हम फिर वहाँ से चुपचाप फिर हमारी भाभी जी आई आशा को, और उन्होंने समझाया कि मत जाओ तुम नहीं निकलने दे रही, तो अब वापसी आ जाओ। फिर उसके बाद हम वापसी आ गए गाड़ी अंदर खड़ी करके, और पीछे से जोगिंदर कौर और बुलंद कौर पत्थर मारने लग गए, पत्थर मेरे पीठ पे लगे उसके एमएलसी में पूरा आया हुआ ये। और फिर हम अपने घर में आ गए सीधा, और इन्होंने फिर 4-5-10 आदमी बुलवाए जो गुंडे बदमाश हैं जो पिस्तौल वगैरह रखते हैं, ये मंगत सिंह और ये सुरेंद्र सिंह, गुरनाम सिंह, विक्की, और ये सब आए। इन्होंने पूरा गेट मेरा वीडियो में है पूरे, इसमें पूरे गेट तोड़ दिए, अंदर लाठीचार्ज पूरा कर दिया, पूरा नुकसान कर दिया हमारे ये सुमन को, और ये इनका कुछ नुकसान ज़्यादा कर दिया। अभी आप क्या चाहते हैं, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, उन्होंने क्रॉस केस कर दिया वापसी में, हमारे पे केस कर दिया कि 452 लगा दी, तुम भी इनके घर में गए थे, हम तो कहीं गए नहीं, हमने घर में ही छुपे हुए थे, घर में ही बैठे हुए थे चुपचाप। से मारने देंगे, ये हमेशा धमकी देते हैं, मेरे को तो मारना ही चाहते हैं कुल मिला के, और मारने ही आए थे यहाँ पे कुछ इनका आईडी से। और कल को मैं कुछ भी मेरे से हादसा होता है, ये हादसा में यही हैं जो लोग जिनके मैंने नाम बताए जी मंगा सिंह ये वगैरह सुरेंद्र सिंह, यही मुझे मरवाना चाहते हैं जी। चलो ठीक, क्या नाम है आपका? सुमन कौर सर। क्या मामला था 14 तारीख को? सर मकान नंबर 108 विलेज जैतपुर बदरपुर में मंगा सिंह की किराएदार नहीं हूँ। हम गुरुद्वारे जा रहे थे, मंगा सिंह की बहनों ने हमारे ऊपर हमला किया, लाठी चार्ज किए। हम फिर वहाँ से जो आपके मकान मालिक हैं उनकी बहनों ने आपके हमला किया। हाँ जी, क्या वजह थी जी? वजह कुछ नहीं सर, हम गुरुद्वारे जा रहे थे, गाड़ी निकालने नहीं थी उन्होंने, आगे से खड़ी हो गई, कह रही हम गाड़ी थी अल्टो गाड़ी थी। हाँ जी, गुरुद्वारे जाना चाह रही थी मजनू टीला। मजनू टीला गुरुद्वारे जा रही थी, और वहीं से ये झगड़ा हुआ है। हाँ जी, वो कहते हैं हम गुरुद्वारे तुम्हें नहीं जाने देंगे। और कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश कुछ नहीं सर, ये आपका क्या नाम है? सर मैं आशा कौर, कहाँ रहते हैं? जैतपुर गाँव। क्या मामला हुआ था उसको? सर मामला उस दिन ये गुरुद्वारे जा रहे थे मेरी देवरानी और ननद और सुमन और मंगा सिंह, तो सर इनके साथ मंगा सिंह की बहनों चार बहनों ने झगड़ा कर दिया था, गाड़ी नहीं निकालने देती थी, और सुमन ने मेरे पास फ़ोन किया कि दीदी यहाँ ये लोग मुझसे झगड़ा कर रहे हैं हम लोगों से, और आके एक बार इनको समझाओ थोड़ा। तो मैं सर वहाँ पहुँची तो सर उन्होंने लाठियाँ ले रखी थी और गाड़ी के सामने खड़ी थी, और फिर मैंने इनको मंगा सिंह को बोला या गाड़ी निकाल लो या अंदर खड़ी कर दो, तो मंगा सिंह ने सर गाड़ी खड़ी अंदर कर दी। उसके बाद सर मैं इनको वापस लेके आ रही थी, उन्होंने पीछे से लाठी चलानी और पत्थर चलाने शुरू कर दिए सर। तो उसके बाद सर मैं इनको लेके घर में आ गई, और अपने घर में जैसे आके हमने कुंडी लगा ली, तो थोड़ी देर में ही पीछे से हमारे गेट में उन्होंने पत्थर मारने और लाठियाँ मारनी शुरू कर दी।
मंगा सिंह के घर के गेट पे। सर फिर हम अंदर बैठे थे पांचों लोग, मेरा देवर भी आ गया था और मेरी देवरानी और सुमन और मंगा सिंह, हम पांचों के पांचों अंदर थे। तो तब वो बंदे आए, आठ दस आदमी आए, तो उन्होंने गेट बाहर का मेन तोड़ दिया। मेन गेट तोड़ने के बाद अंदर आ गए, तो हमने अंदर रूम का गेट तोड़ा, वो लगाया, तो सर फिर उन्होंने वो भी गेट तोड़ दिया। गेट तोड़ने के बाद सर मैं वीडियो बना रही थी, 100 नंबर पे मैंने कॉल भी किया और मैं वीडियो बना रही थी, तो विक्की 9 नंबरी ने मेरा फ़ोन छीन के और अपनी जेब में डाल लिया। फिर मेरे को मेरे हाथ पीछे से पकड़ के दूसरे रूम में ले गया सर, और गेट लगाया और बोला इनकी लड़ाई में तू नहीं आएगी, नहीं तो हम तेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। थोड़ी देर में ही सर मंगा सिंह आ जाता है, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, पहले मुझे थप्पड़ मारा, फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए। और फिर सुरेंद्र सिंह आता है सर, सुरेंद्र सिंह ने मेरे गला दबाया और मेरी सर पेट पे लात रखी उन्होंने और मेरे इधर उधर मतलब हाथ लगाया। सर मैं बता नहीं सकती मतलब जो उसने मेरे साथ किया। और फिर हंसने लग गए सब तीनों के, अब इसकी बेइज्जती होगी, इसकी इज्जत खराब हो गई, अब ये किसी लायक नहीं रह गई। और सर फिर विक्की ने अपनी पिस्टल भी ले रखी थी और सुरेंद्र सिंह ने भी पिस्टल ले रखी थी, बोले मेरे को बोले जान से मार देंगे अगर तू कुछ ऐसा इनके पीछे करेगी तो आएगी। तो फिर उसके बाद विक्की धक्के मारते मारते सब मुझे बाहर ले गया और मेरा देवर चिल्लाते, देवर देवरानी चिल्लाते रहे कि इसको छोड़ दो, लेकिन इन्होंने बोला तुम हट जाओ साइड में हो। तो फिर उसके बाद मुझे धक्के मारते मारते ले गया विक्की बाहर, तो मेरे को बाहर भी धक्के उसने मारे और बहुत बेइज्जत किया बाहर भी लोगों के बीच में, बोला कि जो करना है कर लेना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा तो थाना भी हमारा है और पैसे भी, हम तो पैसे वाले हैं, हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। तरफ से भी FIR दर्ज हुई है आप लोगों पर और जो लोग यहां से, जी सर उन्होंने कि आप लोगों ने किया था, क्या सच्चाई है? सर उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और मेरी देवरानी का भाई है, मेरा देवर है और मंगा सिंह, इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया और पुलिस वालों ने क्रॉस केस बना दिया। हमारी सुनवाई हुई लेकिन बहुत लेट हुई, लेकिन कल दिनांक आज 19 तारीख है, कल 18 तारीख को आईओ ने हमारे बयान लिए और कल 18 तारीख को बयान लिए और 19 तारीख को हमने कोर्ट में जाके बयान दिए और सब इतनी बात है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।